सो फ्रेंड, जो प्रॉब्लम अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, नॉन सिस्टम डिस्क और डिस्क एरर या नो बूटेबल डिस्क फाउंड, नो डिस्क फाउंड, इस तरह के जो एरर्स आते हैं एचपी के डेस्कटॉप में, डेल के डेस्कटॉप में और सभी तरह के डेस्कटॉप और लैपटॉप में, तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, यही हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। 5 से 10 मिनट में आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, पहला होता है सॉफ्टवेयर लेवल पर सॉल्यूशन, दूसरा होता है हार्डवेयर लेवल पे। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर लेवल का सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक करो ताकि आपको ऐसी टेक्निकल वीडियोज की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे और सिस्टम के बायोस में जाएंगे, कंप्यूटर या लैपटॉप के बायोस में जाएंगे। बायोस एक ऑप्शन होता है जहां से आप कंप्यूटर के अंदर की सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। बायोस में इंटर होने के लिए आपको कौन सा बटन प्रेस करना है, कौन सी की दबाना है, वो आपको पता चल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए एक इमेज को आप डाउनलोड करके देख सकते हो। आपका जो भी लैपटॉप है, अगर एचपी का है तो उसका की कौन सा होता है बायोस का, वो पता चलेगा। डेल का है तो कौन सा पता चलेगा आपको। मैं यहाँ पे सिस्टम को रिस्टार्ट करने के लिए कंट्रोल ऑल डिलीट की प्रेस करता हूँ और सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं F10 का की प्रेस करूंगा ताकि सिस्टम बायोस में चला जाए। एचपी का जो लैपटॉप और डेस्कटॉप होते हैं उसका F10 पर बायोस होता है। तो ये बायोस में आ चुका है। यहाँ पे आपको इंटर करना है लैंग्वेज सेलेक्ट करके, इंग्लिश लैंग्वेज पे सेलेक्ट करके। बायोस में बहुत सारे बायोस में सिर्फ कीबोर्ड काम करता है, अभी के जो लेटेस्ट के बायोस है उसमें माउस काम करता है। तो ये कीबोर्ड बेस्ड बायोस है जिसमें कीबोर्ड से आपको सारा काम करना पड़ेगा। तो आपको जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है आप एरो की से सेलेक्ट कर सकते हो। अप एंड डाउन साइड में अगर आपको जाना है तो आप ये वाला की, साइड वाला की दबा के कर सकते हो। तो बायोस में आने के बाद आप यहाँ पे डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन या स्टोरेज ऑप्शन में चेक कर ले। आपको यहाँ पे हार्ड डिस्क अगर दिखा रही है तो आपका प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे हमें बूट ऑर्डर में यहाँ पर हमें हार्ड डिस्क दिखा रही है, लेकिन हार्ड डिस्क का जो मोड है यहाँ पे डिसेबल बता रहा है, आप जैसे नोट कर सकते हो। तो अगर आप इसे वापस से इनेबल करना चाहते हो तो यहाँ पर F5 का की नीचे शो किया हुआ है, F5 का की अगर हम दबाते हैं तो हार्ड डिस्क हमारी इनेबल हो जाएगी। और देखिए इनेबल होते F5 का की मैंने दबाया तो मैं यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर F5 का की दबा रहा हूँ और हार्ड डिस्क इनेबल हो चुकी है। और हार्ड डिस्क का यहाँ पे सीरियल नंबर और मॉडल भी शो कर रहा है जो आप देख रहे हो ST3500। तो ये हार्ड डिस्क यहाँ से आपकी डिसेबल हो सकती है बूट ऑप्शन में से। हो सकता है कि भाई बाय डिफॉल्ट बायोस की सेटिंग चेंज हो जाती है। यहाँ से आप आपकी हार्ड डिस्क को इनेबल कर सकते हो और इनेबल करने के बाद ये सेटिंग को आपको सेव कर देना है। F10 पर F10 का की दबा के आप इसे सेव कर दोगे और सेव एंड एग्जिट कर दोगे। वापस से F10 दबाओगे कंफर्मेशन के लिए। अब सिस्टम हमारा स्टार्ट होगा और स्टार्ट होने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं होता है तो इन दैट केस हम दूसरे सॉल्यूशन को ट्राई करेंगे, फिक्स नंबर 2 को। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है और ये प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो चुका है इजीली। बायोस में कुछ सेटिंग्स चेंज करने की वजह से हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो गया है और डेस्कटॉप भी यहाँ पर लोड हो चुका है। अब अगर आपके पास ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है तो दूसरी सेटिंग आपको क्या चेंज करना है बायोस में, मैं वो भी आपको यहीं पर बता देता हूँ। आपको सिस्टम को बंद करना है और बंद करने के बाद आपको वापस से बायोस में इंटर करना है। जो भी बायोस का की आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप का रहेगा वो प्रेस करते हुए आपको बायोस में इंटर करना है। मैं यहाँ पे F10 की प्रेस कर दूंगा। बायोस में जाने के बाद आपको यहाँ पर डेट और टाइम चेक करना है। सेट डेट और टाइम में आपको यहाँ पर जो डेट दिखा रही है ये 2009 की डेट है जो कि बहुत ही पुरानी डेट है। ये प्रॉब्लम इसलिए आता है कि आपकी जो भी बायोस की सेटिंग होती है वो आपके डेस्कटॉप में एक सीमॉस सेल होता है, उस सेल के अंदर स्टोर होती है। इस तरीके का एक सीमॉस सेल होता है आपके डेस्कटॉप पर लगा हुआ। इस सेल में आपकी सारी की सारी सेटिंग सेव होती है और वो सेल जब वीक हो जाता है तो आपका जो बायोस का सेटिंग है वो बार बार डिफॉल्ट पर चला जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो डेट और टाइम का जो ऑप्शन है ये डेट पीछे जा चुकी है, 2009 में ये डेट जा चुकी है, जिसकी वजह से आपका बायोस सेटिंग सेव नहीं कर पा रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपके जो डेस्कटॉप है उसकी सीमॉस बैटरी चेंज करना है। सो फ्रेंड, सीमॉस बैटरी चेंज करने के लिए आपको मदरबोर्ड पर चेक करना पड़ेगा कि भाई सीमॉस बैटरी कहाँ पर है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर सीमॉस बैटरी आपको यहाँ पर दिख रही है, इस सीमॉस बैटरी के एक साइड में लॉक होता है, उस लॉक को आप प्रेस करेंगे तो सीमॉस बैटरी आपकी ऊपर की तरफ आ जाती है और उसे आप इजीली रिमूव कर सकते हो। ये सीमॉस बैटरी हमारी यहाँ पर ख़राब हो चुकी है तो इस सीमॉस बैटरी की जगह पे हम नया सीमॉस डाल रहे हैं। सीमॉस को आपको रखकर सिर्फ प्रेस कर देना है उंगली से तो आपका सीमॉस बैटरी फिक्स हो जाएगा उस स्लॉट में, जैसे कि यहाँ पर हो चुका है। अब इसके बाद हम बायोस की सेटिंग में वापस से हार्ड डिस्क को अपडेट करेंगे और चेक करेंगे कि भाई बूट डिवाइस हमारा जो है
वो डिटेक्ट होता है कंप्यूटर में या नहीं होता। तो हम यहाँ वापस से एक बार बायोस में आ चुके हैं। बायोस में आने के बाद आपको यहाँ पर डेट और टाइम आपको यहाँ पर सेट कर देना है। आज की डेट जैसे कि इसमें आपको पहले मंथ टाइप करना है, यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है MMDDYY। पहले हम मंथ टाइप करते हैं 1/2/12 और उसके बाद आपको टैब का बटन दबाना है और डेट के ऑप्शन पे जाना है, DD के 23 डेट और उसके बाद फिर से टैब टाइप करना है 2020। ये हमारी यहाँ पे डेट आ चुकी है और टाइम का कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, आप टाइम नहीं भी सेट करें तो भी चल जाएगा, बट डेट आपको सेट करना ज़रूरी है क्योंकि जितना आप डेट सेट करोगे उतना बायोस कंप्यूटर में अपडेट करेगा। अब उसके बाद वापस से आपको जो सेटिंग करना है वो हार्ड डिस्क वाली सेटिंग करना है जो मैंने आपको बताई थी, जो कि बूट ऑर्डर में जाके आपको वापस से चेक करना है आपकी हार्ड डिस्क इनेबल है या डिसेबल है। अगर डिसेबल है तो उसे इनेबल करना है और इस सेटिंग को भी आपको सेव कर देना है। अगर यहाँ पर आपको हार्ड डिस्क नहीं बताता तब आपको आपके प्रॉब्लम को हार्डवेयर लेवल पर सॉल्व करना है। उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को भी आप चेक कर सकते हो, उस वीडियो को भी आप चेक कर सकते हो और उसे अपने प्रॉब्लम को हार्डवेयर लेवल पर सॉल्व कर सकते हो। सेम प्लेलिस्ट में कंप्यूटर रिपेयर की प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। सेव एंड एग्जिट कर देना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड होती है या नहीं होती है। तो इस बार भी देखिए यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, जो कि पहले फिक्स में ही हो चुका था, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पर दूसरा फिक्स भी अप्लाई किया और उस फिक्स में भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। सो होप सो फ्रेंड, इस वीडियो को देखकर आप आपका जो भी प्रॉब्लम है नो बूट डिवाइस फाउंड या नॉन सिस्टम डिवाइस का जो एरर आ रहा है उसे सॉल्व कर पाएंगे। और आपके लिए कौन सा मेथड काम करता है ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है तब भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, उस पर भी आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई वो आपके ज़रूर काम आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।